फ्रांस सरकार ने फैसला लिया है कि अब राष्ट्रपति की पत्नी फर्स्ट लेडी नहीं कहलाएंगी। फ्रांस सरकार ने यह फैसला एक याचिका के जवाब में किया, जिसमें राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पत्नी ब्रिजिट मैक्रों को फर्स्ट लेडी का अधिकार, टाइटल, स्टेटस और बजट दिए जाने का विरोध किया गया था। मात्र दो हफ्तों के अंदर 2,75,000 लोगों ने इस याचिका को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद सरकार द्वारा फैसला किया गया कि ब्रिजिट को न ही फर्स्ट लेडी का ऑफिशियल टाइटल मिलेगा और न ही फर्स्ट लेडी को दिया जाने वाला बजट मिलेगा। बता दें कि फ्रांस के अंदर बड़ी संख्या में लोग फर्स्ट लेडी को मिलने वाली सुविधाएं और उन पर होने वाले भारी भरकम खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। मई में हफिंगटन पोस्ट के फ्रेंच संस्करण में यूगोव द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित हुए थे। इसके मुताबिक फ्रांस में करीब 68% लोग राष्ट्रपति की पत्नी को आधिकारिक भूमिका दिए जाने के खिलाफ थे। फ्रांस सरकार निकालेगी ट्रांसपेरेंसी चार्टर। इमैनुअल मैक्रों ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वो जीतने के बाद अपनी पत्नी की भूमिका पर स्पष्टीकरण देंगे। फ्रांस की प्रमुख न्यूज एजेंसी के अनुसार अगले कुछ दिनों के अंदर ट्रांसपेरेंसी चार्टर निकालकर ब्रिजिट मैक्रों की आधिकारिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद ब्रिजिट मैक्रों का न केवल स्टेटस स्पष्ट होगा बल्कि राष्ट्रपति की पत्नी के दायित्वों और उनकी भूमिका भी साफ हो जाएंगी। साथ ही राष्ट्रपति की पत्नी को सरकारी खर्च पर कितने कर्मचारी मिलेंगे और इन सब पर फ्रांस की जनता द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का कितना पैसा खर्च होगा, ये भी सार्वजनिक जानकारी में आ जाएगा। बाकी देशों पर भी पड़ेगा असर। फ्रांस की इस पहल का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। दुनिया के कई देश हैं जहां राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी के तौर पर कई सुविधाएं मिलती हैं। फ्रांस में हुए इस बदलाव के बाद दुनिया के ये देश भी अपनी सरकार से ऐसी ही मांग कर सकते हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।